सो हे गाइस, तो यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों मोस्ट एंटिसिपेटेड वीडियो नैनीताल बैंक के लिए, और वो है कि नैनीताल बैंक की कट ऑफ कितनी हो सकती है। देखिए दोस्तों, इन दो दिनों के बीच मैंने बहुत सारे बच्चों से बात करने की कोशिश करी जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, और उनके बेसिस पे मैं बताऊँ कि कितने बच्चों के अटैम्प्ट थे, कितने बच्चे अटैम्प्ट करके आए हैं, कितने मार्क्स एक्सपेक्टेड हैं, कौन सा टॉपिक टफ आया था, कौन सा सेक्शन इजी आया था, इन चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करूंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आप इंटरव्यू के लिए तैयारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। या साफ साफ सी बात, मैं लगभग एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो आपके ऑनलाइन एग्जाम की होने वाली है उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। वेल गाइस, अगर मैं सबसे पहले रीजनिंग सेक्शन की बात करूँ तो दोस्तों रीजनिंग सेक्शन में बच्चे काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट करके आए हैं। जो भी बच्चे पहले से बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है, अगर वो प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं इस तरीके से, तो आप मानकर चलिए आराम से कोई बच्चा 30+ अटेम्प्ट तो रीजनिंग में करके आया ही है, क्योंकि हर चीज़ डुएबल था और डुएबल होने के साथ साथ टाइम भी आपके पास काफ़ी था। एकदम आरआरबी क्लर्क मेंस लेवल भी नहीं आया था पेपर, कहीं कहीं पर तो कुछ क्वेश्चन एकदम प्रीलिम्स लेवल के थे, वो भी क्लर्क के प्रीलिम्स टाइप के, और जो कुछ पजल्स थी वो SBI PO के टाइप की, SBI PO के प्रीलिम्स या IBPS PO के प्रीलिम्स टाइप की, जिसकी वजह से बच्चों ने काफ़ी डिसेंट अटेम्प्ट करे हैं। और कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जो 40 में से 35+ भी अटेम्प्ट करके आए हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो 40 में से 40 अटेम्प्ट करके आए होंगे बट उसमें क्रिटिकल रीजनिंग इन्वॉल्व है, और क्रिटिकल रीजनिंग 100% सही होना एक्यूरेसी के साथ वो थोड़ा मुश्किल होता है, होते भी हैं बट नहीं भी होते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं रीजनिंग के बारे में बताऊँ तो बच्चे 30+ तो डेफिनेटली मार्क्स लाने वाले हैं। और उसके बाद अगर दोस्तों मैं क्वांट सेक्शन की बात करूं, 30 क्वेश्चंस ऐसे आए थे जो एकदम डुएबल थे, जिसमें अर्थमेटिक था ही नहीं इन्वॉल्व, और अर्थमेटिक का भी लेवल बहुत ज़्यादा टफ देखने को नहीं मिला। DI काफ़ी डुएबल थी, अप्रॉक्सीमेशन डुएबल थे, और साथ साथ में दोस्तों अप्रॉक्सीमेशन के साथ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थी वो भी काफ़ी डुएबल थी। तो दोस्तों मैथ्स के सेक्शन में भी बच्चे 30 के आसपास अटेम्प्ट करके आए हैं। वेल गाइज, अब बात करते हैं GA की। GA बच्चे अटेम्प्ट तो ज़्यादा करके आए हैं बट मेन चीज़ वो है कि स्टैटिक इस बार बहुत ज़्यादा पूछ दिया गया, बैंकिंग अवेयरनेस नहीं पूछी गई, तो स्टैटिक याद करना बहुत मुश्किल होता है, और स्टैटिक को याद रखना आप मानकर चलिए कुछ भी आ सकता है फिर तो स्टैटिक में। तो वहाँ पर दोस्तों बच्चों के अटेम्प्ट बड़े हैं बट ऑब्वियसली मार्क्स वाइज अगर मैं बताऊँ तो 15 मार्क्स के आसपास अगर आपकी GA सेक्शन में आ रहे हैं तो दैट इज़ गुड। उसके बाद दोस्तों इंग्लिश में काफ़ी डूएबल थी, 25 से लेकर 30 मार्क्स के बीच में आपके मार्क्स रेंज करने चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अटेम्प्ट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट मार्क्स। तो दोस्तों आपके जो मार्क्स हैं वो 25 से 30 के बीच में होने चाहिए। और सिमिलर केस मैं कहूँ कंप्यूटर क्वाइट डूएबल, 25 से लेकर 30 मार्क्स के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए कंप्यूटर में भी। वेल गाइज, ये मैंने लगभग एक सेफ अटेम्प्ट बताए हैं, ऑब्वियसली मार्क्स आपके इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं, इससे कम भी आ सकते हैं, बट दीज आर सेफ अटेम्प्ट। तो अगर मैं इसके हिसाब से दोस्तों कट ऑफ प्रिडिक्ट करने की कोशिश करूँ बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ वैकेंसीज, क्योंकि याद रखिए नंबर ऑफ वैकेंसीज भी कम है, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज जितनी कम होंगी उतना कम टाइम होगा वो जितने लोगों को इंटरव्यू में बुलाएंगे। तो वेल, मेरे हिसाब से जो इस पेपर की कट ऑफ होगी दोस्तों वो 130 से लेकर 140 के बीच में लाई करेगी। अब ये रेंज मैंने आपको ज़्यादा ही बड़ी बता दी, 10 मार्क्स की रेंज बता दी कि सर 130 से 140 के बीच में। अब इसमें ज़्यादातर एक्सपेक्टेशन है कि कट ऑफ जो है वो 135 से 140 के आसपास लाई करेगी, क्योंकि दोस्तों इतने बच्चों ने ऐसे अटेम्प्ट करे हैं कि रीजनिंग में पूरे मार्क्स भी ला सकते हैं, क्वांट सेक्शन में 30 से ज़्यादा भी ला सकते हैं, होपफुली उनका GA सेक्शन भी अच्छा गया हो कि वो 20 मार्क्स उठा लाएं। तो इसके हिसाब से अगर मैं बताऊं तो दोस्तों येस, द कट ऑफ कुड बी इन द रेंज ऑफ 135 टू 140, बट टू बी इन द सेफर जोन मैं ये कहूँगा कि 130 से लेकर 140 के बीच में कट ऑफ रहेगी बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड द एग्जाम लेवल दैट वॉज आस्क्ड। सो दोस्तों मेरे हिसाब से ये कट ऑफ है, 130 से प्लस कट ऑफ रहने वाली है। अगर आपके इसके हिसाब से मार्क्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली यू शुड प्रिपेयर फॉर मेंस, अगर आपके अटेम्प्ट ज़्यादा हैं यू शुड प्रिपेयर फॉर मेंस। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, एंड बेस्ट ऑफ लक।